टीचर थी मिसेस वर्मा, जिसने फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के आगे एक झूठ बोला था कि वो हर बच्चे से सेम इक्वल प्यार करती है, क्योंकि क्लास की पहली रो में रोहन बैठा हुआ था अपनी सीट में घुसा हुआ, बाल बिगड़े हुए खराब। ये होने लगा था कि मिसेस वर्मा को क्लास के सामने उसे डांटना हक सा लगने लगा था, रोज होमवर्क सा लगने लगा था। इतना था कि मिसेस वर्मा अपनी क्लास के हर बच्चे के पास रिकॉर्ड्स निकालकर पढ़ा करती। तो आज उन्होंने पढ़ा रोहन के बारे में, पता चला फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर ने लिखा था रोहन बहुत हैप्पी बच्चा है, क्लास के सभी बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं, ही इज फन एंड टैलेंटेड। सेकंड स्टैंडर्ड की टीचर ने लिखा था एक्सीलेंट लड़का है, लेकिन शायद घर पर कोई तकलीफ है, बताना नहीं चाहता। थर्ड स्टैंडर्ड की टीचर ने लिखा था रोहन की मॉम की कैंसर ने जान ले ली, ये अपनी ओर से बहुत कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन रोहन के पापा उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। वहीं मिसेस वर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, उन्होंने उस दिन मन ही मन मानो रोहन को अडॉप्ट कर लिया था। क्लास में कहती थी सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन रोहन से कुछ ज्यादा ही करती थी। क्रिसमस आई, सब बच्चे टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर आए, और रोहन टीचर के लिए एक पुराना ब्रेसलेट और एक परफ्यूम की आधी खाली बोतल लेकर आया। टीचर ने फटाफट से ब्रेसलेट पहना और परफ्यूम भी लगाया, तभी रोहन बोल उठा, माँ से भी ऐसी खुशबू आया करती थी टीचर। काश कि हम सभी की जिंदगी की चिट्ठियां पढ़ पाते, उन पर क्या बीती है ये जान पाते, तभी उन सभी से ज्यादा अच्छे से बिहेव कर पाते। नहीं, बॉस, मालिक, टीचर, प्रोफेसर, रेडियो जॉकी या कुर्सीधारी, जिस किसी नाम से जाने जाते हैं, आप पर, मुझ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक किसी का दिल न तोड़े। हूँ छू अर्चना, सलाम दुआ वणकम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, अमदावाद आखू मारू छे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।